हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लाया हूँ, और वो इस प्रकार से है कि अगर आपको नहीं पता कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो है बैन होने जा रहा है, उसकी वजह क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे बड़ी वजह अगर यहाँ पर हम जाने तो एक आया था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कल से ये बैन हो जाएगा, कल से, जी हाँ, ये कल से बैन हो जाएगा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। और जो यूट्यूब हैं वो क्या करेंगे और हम क्या करेंगे, छोटे यूट्यूबर्स हैं जो, वो क्या करेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि डरने वाली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब दरअसल हुआ ये था कि गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज़ निकाली थी और व्हाट्सएप ने उसका विरोध किया था। व्हाट्सएप, गवर्नमेंट चाहता था कि नकली जो मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं, जैसे आप सभी को पता ही है कि कैसे कैसे मैसेजेस आजकल यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर आते रहते हैं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को बंद किया जाए। जी हाँ, मैं हूबहू रवीश कुमार जी से सहमत हूँ, और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का निर्माण हो चुका है, उस पर नकेल कसने के लिए सरकार ने, या उस पर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी कि जिसके अंदर सरकार आपके ऊपर नज़र रख सकती है कि आप क्या बातें कर रहे हैं, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और ये फेसबुक के लिए नहीं थी, ये सभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए थी, और ये सभी को मानना था। बट जो एक इंडिया की एक ऐप है, वो KU नाम की कुकू ऐप है, उसने तो पॉलिसीज़ मान ली थी क्योंकि वो इंडिया की ही थी। और जो ये हैं, ये इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, मान लीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन सब ने एक टाइम लिमिट मांगी थी, और वो टाइम लिमिट जो है 6 महीने की थी, और 6 महीने अब पूरे होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने अभी केस कर दिया है, उस न्यायालय में कि हम अपनी प्राइवेसी को किसी को नहीं देखने देंगे, प्राइवेसी हमारा हक है और होना भी यही चाहिए। बट सरकार जो है ये चाहती है कि सब पर हमारा राज हो, सब पर हम ही देखें। तो भाई, गवर्नमेंट को अपना बनाना चाहिए, ठीक है ना। ये बंद, ये बैन कर दिया, वो बैन कर दिया, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। और हम जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, या छोटे छोटे हम फैन पेज बनाए हुए हैं, हमने सब बहुत टाइम से इनके ऊपर काम किया है, ये हमें बहुत कुछ, एक यूट्यूब हमारे लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। अगर आप भी इसे बंद कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास। आप बना देंगे दूसरा यूट्यूब, हमें बना कर दे दीजिए, हम उसमें खुश हैं। पर नहीं, आपसे होगा नहीं भैया, आपसे तो मतलब बस क्या बोलूँ। अब तो जूम एनी टाइम ये बता रहा है कि व्हाट्सएप गेटिंग बैन एनी टाइम जूम, जल्दी भी किसी भी समय ये बंद हो सकता है। बट मुझे लगता है ये कंपनीज जो हैं मान लेंगी सरकार की पॉलिसीज़ को, या कोई बीच का रास्ता निकालेंगी और शायद बंद ना हो। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी वैसे ही हम आपको बता देंगे। पर ये हर एक चीज़ बैन करना, पबजी के बाद अब ये सब बैन करना, तो क्या मतलब इसमें घाटा बहुत ज़्यादा हमारे देश को भुगतना पड़ेगा, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, और आप जल्दी से इसे शेयर कीजिए, ताकि, और ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए इस चीज़ का भी, इन्हें बैन ना किया जाए। और देखते हैं दोस्तों क्या बनता है, हमारे कहने ना कहने से तो कुछ नहीं हो सकता। बट चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अरुण राज, थैंक यू दोस्तों।